Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ताहिर इकबाल फ्रॉम एक्सीलेंस ऑनलाइन। आज का हमारा उनवान है कंडीशनल टेंसेस, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। और हमारा जो मेथड है वो बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मींस उर्दू इंग्लिश एंड इंग्लिश उर्दू, क्योंकि टेंसेस स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को समझ में तो आ जाते हैं, लेकिन जब टीचर जब उन्हें कोई एग्जांपल देते हैं बनाने के लिए, कोई वर्ड देते हैं, कोई वर्ब देते हैं, एग्जाम्पल वो बिल्कुल करेक्ट बनाते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन में वो गड़बड़ कर देते हैं। किस किस्म की गड़बड़ हो जाती है? जैसे एक एग्जाम्पल बड़ी आसान सी है कि वी गो टू स्कूल या वी प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट की स्टूडेंट ने सेंटेंस तो बना दिया, लेकिन जब टीचर उससे मीनिंग पूछेगा तो वो कहेगा कि वी प्ले क्रिकेट का मतलब ये है कि हम क्रिकेट खेलेंगे, या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, या हमने क्रिकेट खेली। वो ये नहीं कह रहा कि हम क्रिकेट खेलते हैं। तो स्टूडेंट ट्रांसलेशन वाइज अगर आप देखें तो नेटिव लैंग्वेज में करेक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, और मैं देखता रहता हूँ कि ट्रांसलेशन में ज़रूर गड़बड़ होती है स्टूडेंट से। तो इसलिए बाइलिंगुअल मेथड मैंने अप्लाई किया है ताकि कंडीशनल टेंसेस को आप उर्दू ट्रांसलेशन के साथ समझ सकें बाय सेंस, कि क्या सेंस क्या बन रहा है उसका। तो फर्स्ट कंडीशनल सबसे पहले डेफिनेशन उसकी ये है कि द फर्स्ट कंडीशनल इज अ स्ट्रक्चर यूज फॉर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं जब प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो तब हम यूज करते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि इफ क्लोज सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट सिंपल, यानी इफ क्लोज में जो है सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट सिंपल आपने यूज करना होता है टेंस, और मेन क्लोज है सब्जेक्ट प्लस विल यानी फ्यूचर सिंपल, यानी प्रेजेंट सिंपल इफ क्लोज में और फ्यूचर सिंपल मेन क्लोज में है। तो जब आप इसकी एग्जांपल बनेगी वो ये है कि इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम या फिर टेस्ट। अगर आप मेहनत करोगे, मेहनत मुशक्कत करोगे, तो आप डेफिनेटली टेस्ट को पास कर लोगे। ये फ्यूचर में मीनिंग आ गई। इफ़ यू स्टडी हार्ड यूज प्रेजेंट सिंपल हुआ है, लेकिन इफ ऑलरेडी फ्यूचर की मीनिंग दे रहा है कि अगर आपने मेहनत की या मेहनत करोगे तो आप टेस्ट को पास कर लोगे। अगली एग्जांपल है इफ इट इज सनी वी विल गो टू द पार्क। अगर सनी हुआ, धूप निकली हुई, तो हम पार्क जाएंगे। तो कंडीशन क्या है कि इफ इट इज सनी, अगर सनी हुआ, अगर धूप निकली हुई, तो वी विल गो टू द पार्क। तो रीजन क्या होगा कि हम पार्क जाएंगे। हो सकता है मे बी इट विल बी सनी, दैट्स पॉसिबल, ये मुमकिन है, लेकिन 100% पॉसिबल नहीं है कि लाजमी इट इज सनी। तो इसलिए हम फर्स्ट कंडीशनल यूज करते हैं कि पॉसिबिलिटीज इन प्रेजेंट और फ्यूचर। उसके बाद एग्जांपल है इफ यू कुक द सफर आई विल वॉश द डिशेस। अगर तुम सफर पकाओगी या पकाओगे तो मैं डिशेस वॉश करूंगा या करूंगी। एक सिस्टर अपनी सिस्टर से कह रही है कि कंडीशन क्या है कि अगर तुमने सफर पकाया इवनिंग का खाना तो मैं डिशेस वॉश करूंगी। एक्सप्लेनेशन मे बी यू विल कुक द सफर, दैट्स पॉसिबल, हो सकता है कि आप सफर बनाएं। ठीक, उसके बाद है इफ यू डोंट स्लीप वेल यू विल गेट ए स्लीप इन द क्लासरूम। अगर तुम सोओगे नहीं तो तुम यानी क्लास में सोते रहोगे, या क्लास में सोओगे तुम्हें नींद आएगी क्लास में। उसके बाद है वी कैन ऑल्सो यूज द मॉडल वर्ब इन द फर्स्ट कंडीशनल। मॉडल वर्ब विल बी मॉडल वर्ब है, विल के अलावा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, ये सब मॉडल वर्ब हैं। वी कैन ऑल्सो यूज दैम। If you come late, I can't allow you to come in. अगर तुम देर से आओगे तो मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता कि तुम अंदर दाखिल हो जाओ या क्लास में आ जाओ। If you come late, may I come in? If I come late, may I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अगर मैं लेट आया? इसमें सवाल भी मौजूद है मेन क्लोज में। We also use present simple in both clauses. दोनों क्लोजेज में हम present simple भी यूज़ करते हैं। Present simple किस तरह से है कि if you heat water, it boils. अगर आप पानी को गर्म करोगे तो वो उबलेगा। उसके बाद है इफ यू पास द बटन, इफ यू प्रेस द बटन टीवी टर्न्स ऑन। अगर आप बटन प्रेस करेंगे तो टीवी टर्न ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट मींस हीटिंग द वाटर ऑलवेज रिजल्ट्स द वाटर बॉइल्स। पानी को गर्म करने का मकसद हमेशा ये होगा कि पानी उबलेगा। ठीक है, यानी वन थिंग ऑटोमेटिकली फॉलोज अनदर थिंग।
ऑटोमेटिकली एक एक्शन के जरिए दूसरा एक्शन हो रहा है, तो तब आप यूज करते हैं फर्स्ट कंडीशनल दोनों जगह पर प्रेजेंट सिंपल। अब आ जाते हैं हम सेकंड कंडीशनल में। सेकंड कंडीशनल क्या है कि वी नॉर्मली यूज सेकंड कंडीशनल टू टॉक अबाउट इमेजिनरी सिचुएशन इन प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी इमेजिनरी ख्याली सिचुएशन में हम यूज करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में। फर्स्ट कंडीशनल में तो प्रेजेंट और फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज थी, सेकंड कंडीशनल में इमेजिनरी सिचुएशन है, ख्याली बात है, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। तो इसके एग्जांपल्स, इसका जो फॉर्मूला वो ये है कि इफ प्लस पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इफ क्लोज में पास्ट सिंपल है, फिर वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इफ यू फाउंड अ सूटकेस फुल ऑफ $10 lakh, व्हाट वुड यू डू? अगर आपको मिलता है $10 lakh का भरा हुआ सूटकेस, तो आप क्या करोगे? ये ख्याली बात है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इफ यू कुड बी एन एनिमल, व्हाट एनिमल वुड यू बी? ये बड़ा फनी क्वेश्चन है सेकंड कंडीशनल में कि अगर आप एनिमल होते तो कौन से एनिमल होते? तो आप कह सकते हैं कि भाई इफ आई कुड बी एन एनिमल, आई वुड बी अ बर्ड, आई वुड बी अ शाहीन, राइट? अगर मैं एनिमल होता या फिर बर्ड होता तो फिर मैं शाहीन होता। तो इस तरह से आप उसके आंसर्स कंडीशनल में ही दे सकते हैं। ये फर्स्ट सेकंड कंडीशनल में सवाल है, तो आप इसका आंसर भी सेकंड कंडीशनल में दे सकते हैं। फिर है इफ यू कुड लिव एनीवेयर, वेयर वुड यू लिव? अगर आप कहीं रह सकते दुनिया में तो कहाँ रहते हैं? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, इफ आई कुड लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड सो आई वुड लाइक टू लिव इन काबा एंड मदीना। इन दिस वे यू कैन आंसर। देन इफ यू कुड चेंज वन थिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट वुड इट बी? अगर दुनिया में एक चीज आप चेंज करते तो क्या होती, क्या हो सकती थी या क्या होती अगर आपके बस में होता किसी चीज को चेंज करना? तो आप कह सकते हैं कि भाई इफ आई कुड चेंज एनीथिंग इन द वर्ल्ड, इट वुड बी हायरार्की सिस्टम, तबकाती निज़ाम को मैं चेंज कर देता, अमीर गरीब का, छोटे बड़े का, और ये तमाम तबकात में खत्म कर देता है। इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाट वुड इट बी? अगर आप एक चीज अपने बारे में चेंज कर सकते तो वो क्या होती? तो बहुत सारी हमारे अंदर खामियां होती हैं, वीकनेस होती हैं, तो हम इस सेकंड कंडीशनल में आंसर दे सकते हैं कि भाई इफ आई कुड चेंज वन थिंग अबाउट माई सेल्फ, इट वुड बी इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी की जगह मैं पंचुअलिटी को ले आता अपने अंदर। मैं इसका मतलब ये कि मैं पंचुअल नहीं, मैं इमेजिनरी बात कर रहा हूँ, मैं चेंज नहीं करना चाह रहा अपने आप को, ठीक? तो ये सेकंड कंडीशनल इमेजिनरी सिचुएशन, ख्याली बात हो रही है। उसके बाद है इफ वन सॉन्ग डिस्क्राइब योर लाइफ, व्हाट सॉन्ग वुड इट बी? अगर एक नगमा आपकी जिंदगी बदल या डिस्क्राइब कर सकता है तो वो कौन सा नगमा होगा, ठीक? तो ये इमेजिनरी है, तो आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं, सॉन्ग बता सकते हैं, सॉन्ग का नाम बता दीजिए कि वो आपकी लाइफ को डिस्क्राइब करे। उसके बाद है थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल जो है बेसिकली व्हेन एन एक्शन हैपन इन पास्ट एंड इट वॉज पॉसिबल बट वी डिडंट डू इट एंड वी आर रिग्रेटिंग, जब कोई काम माजी में हुआ और वो मुमकिन था और हमने नहीं किया, उसका हमें पछतावा हो रहा है, तो तब हम यूज करते हैं थर्ड कंडीशनल। उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से कि इफ प्लस पास्ट परफेक्ट और सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट के बाद जो मेन क्लोज है उसमें वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। तो इसका सेंटेंस क्या है, इफ आई हैड बीन अलाइव 2000 years ago, अगर मैं 2000 साल पहले जिंदा होता, आई वुड हैव बीन अ रोमन, मैं रोमन होता। उसके बाद अगली एग्जांपल है कि इफ द थीफ हैड रन फास्टर द पुलिस वुडंट हैव कॉट हिम, चोर पकड़ा गया है, अब यहाँ पे पछतावा हो रहा है, ये बता रहे हैं सिचुएशन के मुताबिक कि भाई अगर चोर ज्यादा तेज भागता, दौड़ लगाता तो पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती थी, तो द पुलिस वुडंट हैव कॉट हिम, यहाँ पे वुड हैव की जगह शुड हैव भी कह सकते, पुलिस शुडंट हैव कॉट हिम, पुलिस माइट नॉट हैव कॉट हिम, ठीक है, पुलिस वुड नॉट हैव कॉट हिम। उसके बाद अगली एग्जाम्पल है इफ द टाइटेनिक हैड मिस द आइसबर्ग इट वुडंट हैव संक, अगर आइसबर्ग को टाइटेनिक मिस कर देता तो वो डूबता नहीं। फिर है इफ ही हैडंट स्टेड इन द सन टू लॉन्ग यस्टरडे ही वुडंट हैव गॉट
sunburnt. अगर वो ज्यादा देर धूप में ना रहता तो वो sunburnt नहीं होता. तो he shouldn't have sunburnt, या फिर he couldn't have got sunburnt. In this way you can make sentences. उसके बाद अगली example है, if he hadn't arrived late, he wouldn't have missed the train. अगर वो देर से नहीं आया होता तो वो ट्रेन को मिस नहीं करता. यहाँ पे पछतावा है कि ट्रेन जा चुकी और वो पीछे खड़ा हुआ है, तो ये कंडीशन है. उसके बाद अगली एग्जांपल है कि भाई इफ दे हैडन्ट वर्क्ड सो हार्ड दे वुडन्ट हैव पास्ड देयर एग्जाम. अगर वो ज्यादा मेहनत नहीं करते तो वो अपना एग्जाम पास नहीं कर सकते. इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि उन्होंने एग्जामिनेशन पास कर लिया, अच्छे नंबरों से पास कर लिया. तो इसमें पछतावा भी हो सकता है. पॉसिबिलिटीज थी, एक काम माजी में मुमकिन था, हमने नहीं किया. उसके लिए भी हम थर्ड कंडीशनल यूज करते हैं. आज की वीडियो में हमने फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल पढ़ा. उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, मुआविन होगा आपके लिए. और शेयर कीजिए इस वीडियो लेक्चर को और इस पे कमेंट्स कीजिए. थैंक यू वेरी मच.